हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं लाल साग की सब्ज़ी, और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने, आप देख सकते हैं, मैंने लाल साग को ले लिया था और बारीक बारीक मैंने इसको काट लिया है। और आप इसको नॉर्मल एक ऐसे पत्ते भी तोड़ सकते हैं। और यहाँ पर मैंने इसको वॉश कर लिया है, और यहाँ पे मैंने लहसुन ले लिया, बारीक बारीक काट लिया, और यहाँ पे मैंने लाल मिर्च ले लिए, और ये है सरसों। तो सबसे पहले मैंने गैस को ऑन कर लिया है और कढ़ाई मैंने रख दी है। यहाँ पे मैंने लोहे वाली कढ़ाई यूज़ करी है। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ गाइस, और आप लोहे की कढ़ाई लीजिए, उसमें खाना बनाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और प्लस क्या बोलते हैं कि बहुत ही सौंधापन आता है और हमारे शरीर के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो ऑयल है वो अच्छे से गर्म होना स्टार्ट हो गया। जब अच्छे से ये गर्म हो जाएगा फिर मैं इसमें अपना लाल मिर्च डाल दूंगी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लाल मिर्ची डाल दी है। अब इसको मैं अच्छे से भूंज लेती हूँ। ये आप देख सकते हैं ये अच्छे से लाल हो गई। अब मैंने यहाँ पे सरसों डाल दिया है। अब मैं यहाँ पे लहसुन डाल देती हूँ, और लगातार आप इसको चलाते रहिए अच्छे से, पूरा अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना है इनको। अब मैं गाइस यहाँ पे थोड़ी सी हींग डाल रही हूँ। ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे थोड़ी सी हींग डाल दी है। अब मैं यहाँ पे गाइस, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लाल हो चुका है। अब मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ अपना साग। साग का मैंने जित पानी अच्छे से निकाल लिया है, उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है। पानी वैसे भी इसमें बहुत ही ज़्यादा छूटेगा, इसलिए जितना आप पानी अच्छे से इसका निकाल पाए निकाल के आराम से इसमें डाल दीजिए। अब यहाँ पे मैंने पूरा साग अपना डाल दिया है। अब मैं इसको लगातार अच्छे से चलाती रहूँगी। और गाइस, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और गाइस, आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से चलाती जा रही हूँ। गैस इस टाइम हमको हाई फ्लेम रखना है, क्योंकि पानी बहुत ही ज़्यादा इसका निकलेगा। अब यहाँ पे मैं इसको 10 मिनट के लिए ढक देती हूँ। अब मैंने इसको थोड़ी देर के बाद चेक किया, आप देख सकते हैं इसमें कितना ज़्यादा पानी छूटा है। इसको अच्छे से लगातार चलाते जाइए। अब गाइस, इसमें हम डालते हैं नमक और लाल मिर्ची पाउडर डाल देते हैं, और ये हल्दी पाउडर, और ये थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल देते हैं। अब इनको अच्छे से मैं चला देती हूँ। मसाला थोड़ा डाल देंगे इसमें तो थोड़ा और अच्छे से टेस्ट आएगा। मसाला नहीं भी डालेंगे तो तब भी चलेगा, ये अच्छा लगता है। नमक और मिर्च डाल देंगे तब भी अच्छा लगेगा, लेकिन मसाला डालने से थोड़ा अच्छा टेस्ट आता है। ये आप देख सकते हैं मैंने इसको अब फिर ढक दिया, क्योंकि पानी इसमें कुछ ज़्यादा ही निकल रहा, तो मुझे इसका पूरा पानी जलाना है अच्छे से। अब मैं यहाँ पे थोड़ी देर के बाद इसको फिर चेक कर रही हूँ। गैस हमको मतलब ज़्यादा हाई फ्लेम पे भी नहीं रखनी है, नॉर्मल रखनी है यहाँ पे। तो गाइस, आप ये देख सकते हैं ये मेरा साग पूरा बन चुका है और पूरा पानी जल गया है यहाँ पे, और पूरा एकदम से मस्त बना। आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं, और इसको आप चावल के, वो दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा ये खाने में। चलिए इसको मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये आप देख सकते हैं मेरा ये बन के कुछ तैयार हो गया। और प्लीज़ गाइस, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।